की गिनती पूरी हो चुकी है और सुधाकर सिंह 38,000 की लीड से आगे चल रहे हैं दारा सिंह चौहान से। इसके अलावा घोसी के परिणाम पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि फैसले पर घोसी की जनता का स्वागत है। विपक्ष अब ईवीएम का रोना नहीं रोएगा, अब ईवीएम को बदनाम नहीं कर सकेंगे। ये बयान दिया है ओपी राजभर ने और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रतिक्रिया की हम बात ही कर रहे थे कि ओपी राजभर ने स्वागत किया है जनता के फैसले का, आपसे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं उनका बयान। सी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ, ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, राजीव सिंह लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। राजीव, ओपी राजभर कह रहे हैं कि अब ईवीएम का रोना उम्मीद है विपक्ष नहीं रोएगा, जनता ने जो भी फैसला किया उसका वो स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुभाषपा का साथ कितना रास आया भाजपा को। मऊ और आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर तो प्रभाव माना जाता है। अब ओपी राजभर कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना तो नहीं रोएगा विपक्ष, ये बात भाजपा का कोई नेता कह रहा होता तो समझ में आता। अब देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से परिणाम सामने आया है उसके बाद ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भी सुर बदल गए हैं। अभी तक वो दावा कर रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये दारा सिंह चौहान बनाम सुधाकर सिंह नहीं बल्कि ओपी राजभर बनाम अखिलेश यादव है, वो अखिलेश यादव को सैफाई भेज देंगे और यहां पर समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट आए वो शायद इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो राजभर वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी ओपी राजभर पर सौंपी गई थी, शायद वो जिम्मेदारी वो नहीं पूरी कर सके हैं और यही कारण है कि अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी अमूमन जब हारती है तो ये कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है या प्रशासन ने गड़बड़ी की है, इस जीत के बाद वो ये बहाना नहीं बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आस्था कई बड़े स्तर पर चूक हुई है। सबसे बड़ी चूक दलित वोट बैंक को साधने में हुई है बीजेपी को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बसपा चुनाव मैदान में नहीं है तो ऐसे में जो बसपा का वोट बैंक है वो बीजेपी का समर्थन करेगा। लेकिन जो घोसी की जनता की नाराजगी ही नहीं थी दारा सिंह चौहान से बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी नाराज थी, क्योंकि बसपा छोड़कर ही वो दूसरे दल में शामिल हुए थे, जिसके चलते ही बसपा ने भी ठीक चुनाव से पहले ये ऐलान किया कि जो बसपा का वोटर है वो या तो वोट न करे, वोट करे तो वो नोटा का बटन दबाए। और ऐसे में परिणाम भी देखने को मिला है कि बसपा के उम्मीदवारों ने जो वोटर हैं बसपा के उन्होंने या तो उतनी संख्या में वोट नहीं किया, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज पर दिख रहा है, दूसरी ओर अगर उन्होंने वोट किया तो फिर वो बीजेपी की बजाय समाजवादी पार्टी में ज्यादा वोट बैंक किया है। क्योंकि अगर बसपा भी एक फैक्टर उभर करके सामने आ रही है कि